झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापेमारी में 350 करोड़ से अधिक का कैश मिला। इसे लेकर देश भर में राजनीति शुरू हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पैसा धीरज साहू का नहीं है बल्कि गांधी परिवार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ATM। इससे पहले राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी को लेकर कहा था कि ये पैसा उनका नहीं है और न ही बरामद किए गए कैश से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा हमारे परिवार का है, हमारा परिवार काफी बड़ा है। धीरज साहू के यहाँ कैश की बरामदगी को लेकर PM मोदी ने भी लाफिंग इमोजी के साथ पोस्ट कांग्रेस पर काफी तंज कसा था। 6 दिसंबर को आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद के घर पर छापा मारा था। इस दौरान IT ने धीरज साहू समेत उनके संबंधियों के यहाँ भी छापेमारी की थी। BJP विधायकों ने शुक्रवार को झारखंड विधायक परिसर में धीरज साहू के यहाँ मिले कैश को लेकर प्रदर्शन भी किया था।